हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को हम प्रोजेक्ट सेव टाइगर के नाम से भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट सेव टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम था जो कि 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया, जबकि इसकी इंसेप्शन जो है वो 1972 में ही हो चुकी थी। मींस इसकी जो प्लानिंग है, कागजी कार्रवाई है, वो 1972 में ही हो चुकी थी। और ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाया गया, जिस टाइम हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ये उनके टेन्योर में चलाया गया। और इसका जो एम था, इट वॉज टू प्रोटेक्ट द डिमिनिशिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडियन टाइगर्स, क्योंकि उस समय इंडियन टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम, ख़त्म की तरफ जो है बढ़ती चली जा रही थी। तो इसलिए जो है ये प्रोजेक्ट चलाया गया। कैलाश शंखाला जो थे वो इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। और ये चीज़ जो है बहुत नोटवर्दी है कि 1970 तक जो हंटिंग ऑफ टाइगर थी, टाइगर्स को मार के शिकार करना, ये लीगल जो थी उसमें दायरे में आती थी। और इस जो है शानदार एनिमल को बहुत सारे रॉयल्स लोगों ने, इलीट कैटेगरी ने मारा अपने प्लेजर, अपनी खुशी और इसकी खूबसूरत स्किन के लिए। और ये चीज़ जो है लगभग अनुमान लगाया जाता है कि 1950 से 1960 के दौरान ऑलमोस्ट 3000 टाइगर्स जो थे दे लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस हंटिंग प्रोसेस। और जब 1970 की शुरुआत में ये चीज़ एस्टिमेट की गई कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये जो है लगभग 1827 के आसपास जो है जो देखे गए, इट मींस ये जो है बिलो 2000 जो है पाए गए। एंड दिस शॉक्ड एंड जोल्ड द कंसर्न्ड अथॉरिटी, वो जो है स्तब्ध रह गए, शॉक में आ गए, कितना नंबर कम हो गया। और जो है उन्होंने इमीडिएट जो है प्लान किया कि हम कुछ ऐसी पॉलिसी जो है प्लान करें कि जो जिसकी वजह से इंडियन टाइगर्स को जो बचाया जा सके, उनकी गिरती हुई संख्या को बचाया जा सके। और जिसका रिजल्टेंट था लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 में। और हमें मालूम है जो बंगाल टाइगर है उसको हम नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया का नाम देते हैं। और इस प्रोजेक्ट में जो उसका पर्पस था टू स्टेम द ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ बिग कैट्स। और मालूम है जो टाइगर्स हैं वो कैट्स वाली कैटेगरी में ही आते हैं, इसको हम बिग कैट्स भी कहते हैं। तो इनका जो है गिरता हुआ नंबर उसको संभालने का ही काम जो था इस प्रोजेक्ट में रखा गया, हैंस द नेम। इसीलिए इसका नाम भी जो है प्रोजेक्ट सेव टाइगर रखा गया। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्कीम है इम्प्लीमेंट की गई 1973 में, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट मीन्स इसको सेंटर से फंडिंग की गई। और क्योंकि जो है ये चीज़ नोटवर्दी है कि इंडिया जो है इट इज़ अ होम ऑफ होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स, यहाँ मैक्सिमम जो है वाइल्ड टाइगर्स पाए जाते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड के 60% टाइगर जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। और ये जो है इनिशियली हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व्स थे, और उसमें जो है अराउंड 268 टाइगर्स थे जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। और इस टाइगर जो है रिजर्व जो है इसमें हमने एक नई स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस किया, इट वॉज टर्म्ड एज कोर बफर स्ट्रेटजी। मीन्स इसके दौरान इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत क्या किया गया कि जो भी टाइगर कोर्स है, जहाँ भी टाइगर रिजर्व्स है, जहाँ टाइगर रहते हैं, उन एरियाज को बिल्कुल जो आसपास की बाहर की डिस्टर्बेंस है, चाहे वो ह्यूमन डिस्टर्बेंस हो या फॉरेस्ट्री ऑपरेशन हो, उससे हम बिल्कुल दूर रखें। और ताकि कोई भी लोग वहाँ पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कोई फल फ्रूट लेने, कोई गिरी हुई लकड़ी लेने, लकड़ी काटने, कोई एनिमल्स को चराने के लिए लेके जा रहा है, तो इस तरह की कोई भी ह्यूमन डिस्टर्बेंस वहाँ पर अलाउ नहीं की गई। इसको बिल्कुल ही कोर में रख लिया गया, इसको हम नाम देते हैं कोर बफर स्ट्रेटेजी। इसको हम फर्दर डिटेल में भी करेंगे। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स अबाउट टाइगर, क्योंकि हम टाइगर के बारे में पढ़ रहे हैं तो नो डाउट पहले इसके हमें फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। तो टाइगर जो है वो एक ट्रू कार्निवोर है वर्ल्ड के अंदर। मींस ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जब उनको फ्लैश नहीं मिलता, कार्निवोर क्या होता है, फ्लैश ईटिंग, जब उनको कार्निवोर को फ्लैश नहीं मिलता, समटाइम दे ईट सम अदर फूड, लेकिन
टाइगर्स के केस में ऐसा नहीं है, उनको सिर्फ फ्लैश ईटिंग ही चाहिए, तो ये ट्रू कार्निवोर की कैटेगरी में आते हैं और ये सिर्फ एशिया में ही पाए जाते हैं। और ये जो है कैट्स जो है वो पानी से डरती हैं, जबकि जो टाइगर्स हैं उसी कैटेगरी का होकर भी इट लाइक्स वाटर एंड दे आर वेरी गुड स्विमर्स टू, और ये बहुत जो है अच्छा तैर लेते हैं। और एक टाइम में टाइगर जो है अराउंड 33 फीट का बाउंस एक जंप जो है ले सकते हैं। और अगर हम उम्र की बात करें तो टाइगर जो है अराउंड 15 साल की इनकी लाइफ होती है, लेकिन जब बहुत तक केयर की कंडीशन में रखी जाए तो ये इनके सर्वाइवल जो एज है वो 21 ईयर्स तक भी देखी गई है। और एक चीज ये भी देखी गई कि एक टाइम में जो टाइगर है वो 3 कब्स को जन्म देते हैं, और ये जो छोटे बेबी जो है कब्स है ये काफी दिनों तक आंखें नहीं खोलते व्हेन दे आर न्यूली बॉर्न। और जो लार्जेस्ट टाइगर है वर्ल्ड लेवल पे वो साइबेरियन टाइगर को माना जाता है, और जो स्मॉलेस्ट टाइगर है वो सुमात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको हम सुमात्रन टाइगर का नाम देते। और नॉर्मली टाइगर्स को जो है उनकी फर के लिए मारा जाता है, चाहे उसके हमने कारपेट्स बनाने हो या कोट्स बनाने हो, तो बेसिकली इट इज किल्ड फॉर इट्स फर। उसके अलावा जो है कुछ आदिवासी जो ट्राइबल लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि जो टाइगर की जो बॉडी पार्ट्स है उससे डिफरेंट मेडिसिन्स बनती हैं, और ये मेडिसिन्स बहुत मैजिकल बहुत ज़्यादा असरदार होती हैं, जबकि वो इस बात से इस फैक्ट से इग्नोरेंट है कि जो आजकल की मॉडर्न मेडिसिन्स है इट इज़ बेटर देन दैट ऑफ मेड फ्रॉम टाइगर पार्ट्स। अब अगर हम ये ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ जो है हमें क्लियर कट शो कर रहा है नीड ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, कि उस समय जो ये नीड जो है कैसे अराइज हुई। इसमें देखो हमने एक्स एक्सिस पे जो है ईयर्स जो है लिए हुए हैं और जो है वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन ली हुई है। अगर हम 1900 में देखें तो ये जो है 1 लाख के आसपास टाइगर की पॉपुलेशन थी हमारे वर्ल्ड लेवल पे। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो है 1910 पे देखें ये 90,000 पे आ गई, 1920 पे 80,000 पे आ गई, देन 1940 में जो है ये 60,000 को से नीचे आ गई। इट मीन्स ये जो है 60 से नीचे थे, अराउंड 58-57 हम कह सकते हैं। और 1950 पे जो है ये 40,000 की इसका नंबर रह गया। और अगर हम 1960 और 70 की बात करें स्पेशली, तो ये जो है नंबर बिल्कुल जो है वो 2-3,000 के रेंज में हमें नजर आ रहा है, तो ये नंबर बहुत कम रह गया। 1970 जहाँ पे आके बिल्कुल जो है एवरीवन वाज शॉक्ड, और जब ये प्रोजेक्ट चलाया गया उसके बाद जो है देखो 1980, 90 तो 2000, इसमें थोड़ा सा जो है हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। इट मीन्स हमें जो है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की नीड थी, और 1970 में ये चीज जो है ये नीड बिल्कुल क्लियर कट इस ग्राफ में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर की। तो डिफरेंट एम्स जो है इसमें कवर होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंश्योर द वाइबल टाइगर पॉपुलेशन फॉर इकोनॉमिक साइंटिफिक कल्चरल एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। तो नो डाउट जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक जो है उसकी वैल्यू है, बिकॉज अगर देखो कोई जू बनाते हो आप, टाइगर रिजर्व्स बनाते हो, लोग वहां देखने जाते हैं, वहां टिकट्स जो है रखी जाती हैं, तो नो डाउट ये जो कंट्री के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं। देन साइंटिफिक, जो बच्चों को आप बुक्स के अंदर पढ़ा रहे हो, द चिल्ड्रन लाइक टू विजिट सच प्लेसेस, तो वो इनकी साइंटिफिक जो नॉलेज में वो एडअप करता है। देन कल्चरल एंड एस्थेटिक, कोई भी कुदरत की जो चीज़ है उसको हम उस बायोडाइवर्सिटी को हम बचा के चल रहे हो, तो नो डाउट वो जो कंजर्वेशन है वो इकोलॉजिकल वैल्यू भी रखता है। एस्थेटिक अपने आप में वो सुंदरता भी उसके अंदर है कि हम किसी को मार नहीं रहे हैं, हर पर्सन हर जो ऑर्गेनिज्म है उसको जीने का हक है, तो एस्थेटिक वैल्यू अपने आप में वो सुंदरता को कवर करता है। देन सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस फैक्टर्स दैट लीड टू द डिप्लीशन ऑफ टाइगर हैबिटेट। तो ऐसे फैक्टर्स को रिड्यूस करना जिसकी वजह से टाइगर के जो आवास स्थान है हैबिटेट है वो डिप्लीट हो रहे हो, उनको रिड्यूस करना, एंड टू मिटिगेट देम बाय सुटेबल मैनेजमेंट। मिटिगेट अगेन मीनिंग है टू रिड्यूस, है ना, कि ऐसे कारणों को हम रिड्यूस करें, कैसे करें, नो डाउट बाय सुटेबल मैनेजमेंट। नंबर थर्ड, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स एंड साइट स्पेसिफिक इको डेवलपमेंट। तो हम क्या क्या करें, एक तो हम वाइल्ड लाइफ की मैनेजमेंट करें,
प्रोटेक्शन जो है मेजर्स अलग अलग तरीके अडॉप्ट करें, और साइट स्पेसिफिक कि किस जगह की हम बात कर रहे हैं, किस जगह की इको डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ लोकल कम्युनिटीज ऑन टाइगर रिजर्व रिसोर्सेज, ताकि जो हम लोगों पर आसपास की जो लोकल कम्युनिटी पर डिपेंड करते हैं टाइगर रिजर्व के अरेंजमेंट के लिए, उसको हम रिड्यूस कर सके और अपने आप में उनको हम सुरक्षा के दायरे को बढ़ा सके. देन द डैमेजेस डन टू द हैबिटेट शैल बी रेक्टिफाइड टू फैसिलिटेट द रिकवरी ऑफ द इकोसिस्टम टू इट्स नेचुरल स्टेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. और हम जो ये हैबिटेट है जिसको हमने डैमेज किया है टाइगर हैबिटेट को, उसको हम रेक्टिफाई करें, उसको हम ठीक करें, वापस सुरक्षा के वाले एक सही जो मायने में वापस खड़ा करें, ताकि हम फैसिलिटेट कर सके, ताकि हम इस चीज़ को बहुत ढंग से जो है रिकवरी कर सके अपने इकोसिस्टम की, कब कहाँ तक अब उसकी एक नेचुरल स्टेट तक जैसे वो पहले जीते थे एंड तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं. देन टू प्रिजर्व फॉर ऑल टाइम एरिया ऑफ बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस एज ए नेचुरल हेरिटेज. और पहली बात तो ये जो है कि हम ऐसे हर एरिया जो कि बायोलॉजिकल इसमें इम्पॉर्टेंस है, वेराइटी बायोडाइवर्सिटी जीती है, चाहे वो टाइगर्स की फॉर्म में है, चाहे वो डिफरेंट बर्ड्स की फॉर्म में है, उसको हम कंजर्व कर सके अपने नेचुरल हेरिटेज के अंतर्गत, यानी अपने सभ्यता के अंतर्गत कि हमारे पास क्या क्या वेराइटी हमारी कुदरत की हमारे देश में मौजूद है फॉर द बेनिफिट. और ये बेनिफिट कौन कौन से एरियाज में है, एजुकेशन के एरियाज में है एंड एंजॉयमेंट ऑफ पीपल. हम ऊपर पहले भी कर चुके हैं कि डिफरेंट बेनिफिट्स हैं डिफरेंट जो है एरियाज में, इकोनॉमिक साइंटिफिक कल्चरल हम ऑलरेडी कर चुके हैं. देन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन एंड बायोटिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द कोर एरिया. और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कोर एरिया स्ट्रेटजी है उसका मेन जो है उसके अंतर्गत यही किया गया, जितनी भी तरह की ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है या डिस्टर्बेंसेस है वो उसको हम कम से कम उसके अंदर जो है होने दें. एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सच एक्टिविटीज इन द बफर जोन. और जो बफर जोन जहाँ पे उसको हम टाइगर्स को बचा के चल रहे हैं, उस जोन को हम प्रॉपरली सही ढंग की एक्टिविटीज करें ताकि वो सुरक्षित रहें. देन रिसर्चिंग फैक्ट्स अबाउट हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स एंड केयरफुली मॉनिटरिंग चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना. और हम इस चीज़ पे रिसर्च भी करें, ऐसे फैक्ट्स इकट्ठे करें ताकि देखें कि किस तरह के पेड़ किस तरह के जो है फ्लोरा फौना मीन्स पेड़ पौधे जीव जंतु उस टाइगर को अपने आसपास चाहिए उसको सही ढंग से जीने के लिए, उनका नंबर बढ़ने के लिए और टू गिव राइज टू मोर कब्स. तो वो कैसे जो है उसमें पॉसिबल है, उसकी रिप्रोडक्शन जो है रेट बढ़ जाए कैसे, उसको हम जो है इन चीज़ों को हमें नो डाउट रिसर्चिंग फैक्ट्स जो है हमें इकट्ठे करने होंगे. तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है एम है. अब हम बात करते हैं कि क्या क्या जो है स्टेप्स लिए गए प्रोजेक्ट टाइगर में. तो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट टास्क फोर्स विजुलाइज टाइगर रिजर्व एज ब्रीडिंग न्यूक्लियाई फ्रॉम विच सरप्लस एनिमल वुड माइग्रेट टू एडजेसेंट एरियाज और एडजेसेंट फॉरेस्ट्स. तो नो डाउट सबसे पहले तो जो ऐसी टास्क फोर्स जो कि अपॉइंट की गई टाइगर रिजर्व्स को चेक करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उन्होंने ये चीज़ देखी कि रिजर्व जो है वो ब्रीडिंग न्यूक्लियाई है, मीन्स जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के कोई जगह है, जहाँ से ये जो पॉपुलर एनिमल है ये अपने आसपास के जंगलों में चले जाते हैं. एंड फंड्स एंड कमिटमेंट वर मास्टर टू सपोर्ट द इंटेंसिव प्रोग्राम ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन अंडर द प्रोजेक्ट. और इसमें जो है ना सिर्फ फंड दिए गए, कमिटमेंट भी की गई ताकि मैक्सिमम सपोर्ट जो है इस प्रोग्राम के अंदर इंटेंसिवली जो है वो डाली जाए ताकि टाइगर का जो हैबिटेट है आवास स्थान है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको रिहैबिलिटेट कर मीन्स उनको वापस पुनर्स्थापना की जा सके, उनके घरों को पुनर्निर्माण बनाकर कि वो ठीक ढंग से वापस उसके अंदर आते रह सके. नंबर टू द गवर्नमेंट हैज सेट अप द टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टू कम्बैट पोचर्स. अब क्या है कि ये चीज़ क्योंकि जो है पोचर्स मीन्स इलीगली जो हंटिंग करते हैं, तो गवर्नमेंट ने इस तरह से सेटिंग की कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है जितने भी लोग इलीगली आके वहाँ पर शिकार करते हैं उनको रोक सके, कम्बैट कर सके मीन्स रोक सके. एंड फंडेड रिलोकेशन ऑफ विलेजर्स टू मिनिमाइज ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट्स.
और जो आसपास के विलेजर्स थे उनको थोड़े दूर जो है दराज के इलाकों में शिफ्ट किया गया, ताकि जो ह्यूमन और टाइगर कंफ्लिक्ट है, मीन्स हो सकता है टाइगर जो आसपास विलेजर्स पे कहीं अटैक कर दे और वो उसको वापस शूट कर दे, लाठियों से मार दे, तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन खड़ी ना हो, इसलिए उन विलेजर्स को जो है फंड दे के दूर जो है रिलोकेट किया गया। उसके अलावा जब 2006 में टाइगर सेंसिस की गई, इनकी जनगणना की गई, तो ये चीज जो है नए मेथड्स जो है अडॉप्ट किए गए, जिसके अंदर साइट स्पेसिफिक टाइगर्स की डेंसिटी, उनके जो को प्रीडेटर्स हैं कि और कौन कौन से जीव जंतु हैं एंड प्रे, उनके शिकार कौन से हैं, इन सबको जो है हम कैमरे से ही देख सके, उसको ट्रैप कर सके। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो 2006 में डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स में किए गए। और जब ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में लॉन्च किया गया, तो उसमें डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में। तो इसमें हमने कोर बफर स्ट्रेटजी पहले भी की थी, जिसमें हमने कहा था कि इसमें जितने भी कोर एरियाज थे उसको ह्यूमन एक्टिविटीज से दूर रखा गया, और बफर एरियाज टू हैव कंजर्वेशन ओरिएंटेड लैंड यूज, और बफर एरियाज जो है जहाँ पे उसको रखा गया उसको जो है आसपास के लैंड को जो है बढ़ाया गया, ताकि उसमें वो आराम से रह सके। देन इनिशियली जो थे कंट्री में 9 टाइगर रिजर्व्स थे, जो कि हमारे असम, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में थे। इसमें से आपने नाम भी दिए हुए हैं, लाइक आपको पता ही है यूपी का जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क, तो उसमें डिफरेंट नाम जो है मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो ये जो टाइगर जो है 9 रिजर्व्स उस टाइम 1973-74 में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया टू बी कवर्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। और यूपी का जो ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, इसको हम सिंपली कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसको सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लिया गया 1 अप्रैल 1973 को। और उस टाइम जो है नाउ एज मेनी एज 27 टाइगर रिजर्व्स आर देयर, और इस टाइम जो है हमारे पास 27 टाइगर रिजर्व्स जो है वो अवेलेबल है कंट्री में, और जहां पर सभी में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। और 1972 में जब ये प्रोजेक्ट की इंसेप्शन की गई, मींस शुरुआत की गई, तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर ये इसका एम रखा गया कि हम टाइगर को सेव करेंगे और ऐसे सभी फैक्टर्स को इलिमिनेट करेंगे जिसकी वजह से उसकी जनसंख्या जो है वो कम हो रही, जिसकी वजह से उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, और ऐसे फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जिससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, फॉरेस्ट्री डिस्टर्बेंस है, उसको आसपास शिकार नहीं मिल रहा, या पोचिंग इसको जो है इलीगल हंटिंग की जा रही है, या जो विलेजर्स हैं उसके साथ जो है मुकाबला कर रहे हैं, उसको मतलब मार रहे हैं, या और जो है डोमेस्टिक एनिमल्स को बचाने के लिए उसको जो है मार रहे हैं, तो इन सभी फैक्टर्स को जो है उसमें कवर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के और थर्स्ट एरिया क्या थे। मीन्स देखो, जब भी हम कोई मेन प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके आसपास छोटी ब्रांचेस जरूर होती हैं, तो वो उसके जो है थर्स्ट एरियाज हैं कि जिसको हमने साथ में कवर करना ही होता है। तो यहाँ पर जो है स्टेप्ड अप प्रोटेक्शन और नेटवर्किंग सर्विलेंस, तो इसका मतलब है कि पहली बात तो एक एक करके सारे स्टेप्स लिए गए जो भी स्टेप्स जरूरी थे टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए। फिर वॉलंटरी रिलोकेशन ऑफ पीपल फ्रॉम कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट टू इनवायलेट स्पेस फॉर टाइगर, तो इसमें जो है टू प्रोवाइड इनवायलेट स्पेस फॉर टाइगर, और क्यों लोगों को शिफ्ट किया गया, ताकि टाइगर को अपने जीने के लिए खूब सारा स्पेस मिल सके। एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रिवेंशन, और जो है आईटी का जो है यूज किया गया ताकि जो वाइल्ड लाइफ से कंसर्निंग क्राइम्स हैं उनको हम रोक सके। देन एड्रेसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट्स, और जितने भी जो लोगों का इनका मारने का जो काम है उसको रोकने के लिए लोगों को एड्रेस किया गया, उनको संबोधित किया गया सभा बुला बुलाकर। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फ्रंटियर पर्सोनल, और ऐसे लोगों को आगे लाया गया जो कि वहां पे अपने गांव वालों को समझा सके और उस वॉलंटरी इस रोल को जो है कर सके।
then developing a national repository of camera trap tiger photographs with IDs. और ये कोशिश की गई कि हर टाइगर को एक आईडी जो है प्रदान कर दी जाए ताकि उनका नंबर को गिनना, उनको पहचान करना जो है इजी हो जाए. स्ट्रेंथनिंग द रीजनल ऑफिसेज ऑफ NTCA. तो और जो है कोशिश की गई जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी थी उनका जो ऑफिसेज है उसको और भी स्ट्रेंथन किया जा सके, वहाँ पे ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा ढंग से काम हो सके. देन डिक्लेयरिंग एंड कंसोलिडेटिंग न्यू टाइगर रिजर्व, नए टाइगर रिजर्व को भी इस्टेब्लिश किया गया. फॉरेस्टिंग अवेयरनेस फॉर इलिसिटिंग न्यू टाइगर रिजर्व, और जो है इसमें अवेयरनेस लोगों की बढ़ाई गई और उसके साथ साथ जो है फॉरेस्टिंग रिसर्च को भी बढ़ावा दिया गया. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है प्रोजेक्ट टाइगर में देखी गई. और ये चीज जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो काम था वो था पोचिंग प्रोसेस को रोकना और इलीगल शिकार को रोकना. तो ये चीज जो है देखी गई कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है कुछ फेलियर्स देखे गए. सरिस्का नेशनल पार्क और नमदाफा नेशनल पार्क. सरिस्का नेशनल पार्क हमें मालूम है जो कि राजस्थान के अलवर के एरिया में है, जबकि नमदाफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है. दोनों में ही जो है ये चीज जो है देखी गई कि वहां पर जो है कुछ शिकार कुछ पोचिंग जो है की गई. और ये चीज जो है इंडियन मीडिया ने भी इस चीज को काफी इसको उठाया. और इसको जो देखते हुए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इन 2006, जिसमें से ये चीज जो है डिस्कस की गई, रिकॉग्नाइज किया गया कि हमारे जो विलेज में रहने वाले जो कम्युनिटीज है, फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज, उसका भी कुछ राइट जो है वो है. लेकिन अब उसकी वजह से क्या हुआ, इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने ये चीज तो मान ली कि जो विलेज के रहने लोग हैं उनको वहां पे कुछ उनको हक भी दिए जाए, लेकिन उसकी वजह से जो है कॉन्ट्रोवर्सीज आ गई. तो लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि एक ही एरिया में टाइगर्स और जो है ह्यूमंस वो कैसे जो है वो सेफली रह सकते हैं, क्योंकि जब टाइगर किसी भी ह्यूमन बींग पे अटैक करेगा तो वापस जो है ह्यूमन बींग उस पर अटैक करेंगे. तो ये बड़ा प्रॉब्लम आ गई कि हाउ टाइगर्स एंड ह्यूमंस कैन को एग्जिस्ट. सो पीपल दे क्लेम्ड दे आर्ग्यूड कि दे बोथ कैनॉट को एग्जिस्ट. और दूसरी बात लोगों ने ये भी कहनी शुरू कर दी कि अगर यहाँ पर लोग रहेंगे तो जो अथॉरिटीज है वो अपनी पावर का एक गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर जो मारने वाले लोग वो विलेजर्स नहीं होंगे बल्कि अथॉरिटीज के लोग ही होंगे जो कि बाद में ब्लेम जो है वो विलेजर्स पे लगा देंगे. तो ये जो है अपनी पावर का एक रॉन्ग जो है वो यूज भी हो सकता है. और फिर इस सिचुएशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टाइगर टास्क फोर्स और जो विलेज डेवलपिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इसको मिलकर सॉल्व किया. और नो डाउट हमें मालूम है कि टाइगर जो है उसको जो मेनली जो माना जाता है हमने डिस्कस किया था उसकी फर के लिए और उससे बनने वाली मेडिसिन के लिए. नो डाउट ये चीज जो है अलाउड प्रोसेस तो नहीं है, मगर जो है इसको इलीगली लोग करते हैं और बैन होने के बावजूद जो है ये प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है. तो ये जो है ये पोचिंग के थ्रू इलीगल स्मगलिंग जो है इसमें हो जाती है. तो नो डाउट ये जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के स्मूथ कंडक्शन में बाधा उत्पन्न कर रही थी. देन अब हम देखें कि बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर में कि यहाँ पर थोड़ा सा हम नॉलेज देखते हैं कि बेसिकली कि टाइगर के कौन कौन से पार्ट से क्या क्या मेडिसिन बनती है और वो किस ऑर्गन के फायदे के लिए यूज होती है. तो आईबॉल्स जो है उसकी एपिलेप्सी डिजीज में यूज होती है और उसके जो विस्कर्स हैं जो मूछों के बाल है वो टूथ एक में यूज होते हैं. और जो बोन्स है वो कोई पर्सन जो पैरालिसिस है या ड्यूमेटिज्म मीन्स उसका जो अर्थराइटिस टाइप की कोई बीमारी है जिसमें गठिया रोग हम बोलते हैं उसकी टेल जो है स्किन डिजीज के लिए, उसका ब्रेन जो है पिंपल्स और लेजीनेस के लिए. तो ये जो चीज जो है पीपल क्लेम की वो उसके लिए बीमारियों के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. अब हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की सक्सेस के बारे में. नो डाउट जो है टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाना बहुत एक इजी जो है जर्नी नहीं थी, जो कि 1970 में जो नंबर जो था वो बहुत कम था जो है. ये कुछ जो है काउंटिंग ये कहते हैं कि लाइक 1200 के आसपास था. पहले मैंने आपको लिखा था कि 1827 था, बट एग्जैक्ट जो है नंबर इट वाज वेरी लो, हम यही कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा जो है हमें वो नेट पर अलग अलग जो है वो दिखा रहे हैं.
और उसके अलावा मेन बात यह है कि इट वॉज लेस देन 2000 और आफ्टर दिस प्रोजेक्ट जो नंबर था वो 226 में कन्वर्ट हो गया 2015 तक आते आते, और जो है डिफरेंट स्टेट सर्वेस की गई ताकि देखने के लिए, और जो है 2018 में जो काउंट है वो 3000 के आसपास जो है देखा गया, और क्योंकि ये जो टाइगर सर्वेस है वो 4 ईयरली होती है और 2018 में इसका नंबर जो है 3000 जो है देखने को मिला। तो नो डाउट जो नंबर जो है वो 2000 से भी कम था, चाहे वो 1800 था या 1200 था, बट वो जो नंबर जो है वो 3000 तक इंक्रीज हो गया। इट मीन्स जो है 1000 के अप्रॉक्स जो है वो इसमें टाइगर्स का नंबर जो है इंक्रीज किया गया बाय द प्रोजेक्ट टाइगर एफर्ट्स। उसके अलावा ये जो है ये नंबर जो है क्लियरली शो करता है कि गवर्नमेंट की और नेशनल पार्क के लोगों की काफी एफर्ट्स है, जो टाइगर टास्क फोर्स थी उसने बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है उसमें एफर्ट की, और ये जो है इसका अचीवमेंट जो है प्रोजेक्ट टाइगर का वो उसके नंबर से ही क्लियर हो रहा है। और जो है हंटिंग ग्राउंड को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करना ये अपने आप में एक मैजिक था, क्योंकि पहले वही जो मैदान शिकार के लिए यूज होते थे वही जो है टाइगर के रिजर्व में कन्वर्ट कर दिए गए, और इस तरह जो है जो टाइगर्स की इलीगल ट्रेडिंग होती थी वो भी बैन कर दी गई। इसके अलावा जो इन रिजर्व्स में जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस को जो है वो अलाउ नहीं किया गया, और जो प्रॉपर हैबिटेट जो है टाइगर्स के लिए रहने के लिए वो बना दिया गया ताकि वहां पे वो प्रॉपरली जी सकें और सर्वाइव कर सकें, और पूरे वर्ल्ड ने इस प्रोजेक्ट को मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का नाम दिया। उसके अलावा और भी जो है इसमें हमें प्रोजेक्ट में देखने को मिली एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स और भी हमें देखने को मिली, जैसे कि सॉइल इरोजन जो है उसका रेट कम हो गया, वाटर जो लेवल था अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्योंकि विलेजर्स वहां से शिफ्ट हो गए तो वो भी जो है वाटर लेवल का जो है एनरिचमेंट देखी गई, एंड ओवरऑल हैबिटेट रेस्ट्रिक्शन तो वो जो है वो उसमें हैबिटेट जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट उसमें देखी गई बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे खत्म हो गई। देन लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज इन टाइगर रिजर्व्स हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन अमंगस्ट द मोस्ट बैकवर्ड सेक्शंस, और क्योंकि जब टाइगर रिजर्व्स बनाए गए तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम काज मिला तो लेबर कैटेगरी वहाँ पे जो आ गई उसकी वजह से जो था जो बैकवर्ड सेक्शन थे सोसाइटी के उनको भी काम मिल गया, एंड देयर डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट हैज ऑल्सो रिड्यूस। अब जब वो कमाने लग गए तो वो फॉरेस्ट को जो एक्सप्लॉयट करते थे उन्होंने उसको भी एक्सप्लॉयट करना खत्म कर दिया। और इसमें जो बेस्ट हमें सक्सेस का जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है हाई हिमालयन रीजन के नेशनल पार्क्स, जिसमें कि हमने जो है टू द मैनग्रोव स्वैम्प्स ऑफ सुंदरबंस वाला एरिया, थॉर्नी स्क्रब्स ऑफ राजस्थान, मीन्स जो है चाहे वो हाई हिमालयन रीजन हो सुंदरबंस का एरिया हो या राजस्थान के थॉर्नी प्लांट का जो है वो एरिया हो, हर तरफ ही जो है हमें सही जो है एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। बट मोर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉज एंड अवेयरनेस अमंग पीपल इज स्टिल रिक्वायर टू मेक इंडियन सेंचुरीज ए सेफ हेवन फॉर टाइगर, मगर फिर भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन कंजर्वेशन जो लॉज को सही इम्प्लीमेंट करें, लोगों को इसके लिए अवेयर करें, और शायद यही सोचकर जो है इस टॉपिक को बीएड में वुड बी टीचर्स के लिए रखा गया। तो अब यहाँ पर हम जो है सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विद मैपिंग जो है आपको दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर कितना, देखिए 2967 की फिगर दिखाई गई है कि 2019 का जो है मैप शो कर रहा है जो कि इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन को शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें कि जो यहाँ महाराष्ट्र वाला एरिया है उसमें 312, देन कर्नाटका में 524, तो मध्य प्रदेश में 526, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है हर तरफ जो है उत्तराखंड में देखो 442, राइट, तो इसका मतलब हर एरिया में जो है नंबर जो है वो इंक्रीज देखने को मिला, और इस जो कि अपने आप में इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को बयान करता है। तो नो डाउट ये प्रोजेक्ट जो है स्टिल इट इज गोइंग ऑन एंड इट विल गो ऑन टिल टाइगर्स डोंट कम आउट टू बी आउट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी, और क्योंकि अभी भी ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर ही आता है, खत्म होती हुई प्रजाति के अंदर ही आता है, तो हमें इसको वहां से बाहर निकालने की जरूरत है।
So these are the references which I have used. So thank you all. Thank you so much. If you like this video, kindly subscribe, like and share. Thank you once again.